हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज कुकिंग हो रही है, आज शाम हो गई है और शाम के टाइम मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। तो ये मैंने चिकन रखा हुआ है और आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। तो लहसुन अदरक है, दही और ऑयल निकाल के रखा हुआ है जिस बर्तन में बनाऊंगी उसमें। तो ये अचार गोश्त मसाला है। तो आज दिल चाह रहा था कुछ चटपटा खाने का, स्पाइसी सा, तो इसलिए मैंने सोचा कि अचार गोश्त बना लेते हैं। इसकी तो मिर्ची भी बहुत स्पाइसी होती है, बहुत मज़े की लगती है। तो आप लोग भी देखिए रेसिपी। ऑयल में मैंने डाला है सिर्फ लहसुन अदरक और एक हरी मिर्च थी जो मैंने कश की थी। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हम भूनेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँ। डाल दी मैं टमाटर, टमाटर का मैंने छिलका निकाल दिया था। ये ब्राउन प्याज है, आप घर पे भी ब्राउन कर सकते हैं लेकिन मैं जल्दी है इसलिए रेडीमेड ब्राउन प्याज यूज कर रही हूँ। ये मैं ना मिर्ची के अंदर मसाला लगाऊंगी, तो ये अचार गोश्त का ही मसाला है, इसमें मैं लेमन डाल रही हूँ। कट लगा लेते ये मसाला, ये मिर्ची के अंदर हम भर देंगे। जब चिकन का कलर चेंज हो गया है और चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, हाफ मसाले में हमने लेमन डाल के मिर्ची भर ली थी, हाफ हम इसमें डाल देंगे दही में। जिसमें हमने अचार गोश्त का मसाला डाला होगा। ये देखिए कैटी जो है ना, जब भी मैं चिकन बनाती हूँ तो ये स्पेशल गेस्ट आ जाती है म्याऊं म्याऊं करती हुई। इसको पकने देते हैं। तो इधर हमारी चाय भी सालन के साथ साथ तैयार हो गई है। तो चाय तैयार हो गई, तो चाय निकालने लगे हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट कप इसलिए हैं कि सबकी अलग अलग पसंद है। सालन की जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी उतनी ग्रेवी इसमें हो चुकी है तैयार। तो अब मैं इसमें डालूंगी जो मिर्चें हमने भर के रखी थी, वो मिर्चें डाल रही हूँ मैं और फ्लेम बिल्कुल लो करके। तो 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकने देंगे। तो तब तक आप कर दे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिसने अब तक नहीं किया हुआ, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो कमेंट्स में भी हमें बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।